व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है मुल्क के खातिर, मुझको ऐसा काम करना है। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है। तो अब सारी चीज़ें हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहाँ मेरा पहला रूम था, जहाँ मैं अपनी वीडियो बनाता था, एडिट करता था, वहीं दोबारा आ गया हूँ। और यहाँ भी ये फिक्स करना रहता चीज़ें। यहाँ पर कंप्यूटर लगाऊंगा जैसे पहले टीवी लगी थी वैसे लगाऊंगा, और आई थिंक यहाँ पर बेड लगाऊंगा। और मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाया, लेकिन मैं थोड़ा सामान यहाँ पर भी, थोड़ा सामान यहाँ रखा हुआ है। एंड सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी तो पहले कंप्यूटर निकालना है यार गाड़ी में से, वो जब से आया हूँ तब से निकाला नहीं है। और अब रोड भी होगी तो रोड की वजह से काफ़ी टाइम रीटेक लेनी पड़ेगी। तो अभी मैंने फुटेज देखी ना, तो बहुत लाइट कम थी, तो ये बल्ब भी चेंज करना है। छोटा बल्ब है, पहले यहाँ बड़ा बल्ब था आई थिंक, पता नहीं बल्ब कहाँ गया हो। तो एक बड़ा बल्ब लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है, और एक यहाँ पर बल्ब लगाना है। और ये मेरा पोर्ट्रेट, मेरे एक फ्रेंड ने बनाया। अगर आपको भी कुछ ऐसे आर्ट वर्क चाहिए अपना, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा इंस्टाग्राम पर। तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात, वादे दिए कितने वादे दिए, तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात। तो CPU तो आ गया है, अब लाना है मॉनिटर। मैं मॉनिटर लेके आता हूँ, तब आप यहीं रुकिए। बड़ी दिक्कत हो रही है फोन और वो ना सामान लाने में, तो मॉनिटर भी ले आया हूँ मैं। अब नीचे बैठ के यार सबसे पहले पॉलिथीन हटा लेता हूँ, तो देखता हूँ कि सब चीज़ सेफ है नहीं, क्योंकि यार बस में लाया था, बस में पता नहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने पूरी प्रोटेक्शन करी थी, मैंने अंदर से ये बबल रैप लगाया था, उसके बाद से सेफ्टी के लिए ये लगा दिया था। एंड अभी नीचे बैठते हैं बोरी बिछा के, और इसके बाहर के पैकेट खोलते हैं, एंड फिर यहाँ पर टेबल साफ करता हूँ, फिर टेबल पर रखूँगा सामान। बजा दे ये ऐसे कैसे नाचना चाह दे ओ मेरे दूत की। मैं सही आ रहा हूँ यार, तो उसमें दिखता नहीं है बैक कैमरे से, और थोड़ी गर्म लग रही है यार। एक्चुअली ना बारिश होती है तो ठंडा हो जाता है, फिर थोड़ा बारिश जब रुकती है थोड़ी गर्म हो जाती है, तो मेरे को ठंड लग जाती है, तो मैं इसलिए मैंने हल्के से पहन लिए थे। एंड हमारी फेवरेट टी शर्ट, ये मैं यहीं भूल गया था, चंडीगढ़ ही ले गया था ये, तो खोल के देखते हैं। मैं अभी तो दिख सही रहा है, होपफुली सही है, उसको रखूंगा। तो हमने CPU की भी रैपिंग निकाल दी है। अब क्या करना है, मॉनिटर का नीचे का स्टैंड लगाना है, क्योंकि ये खोल के लाया था मैं स्टैंड, और इस स्टैंड इसमें थैली में, उसमें दो नट लगते हैं, नहीं तीन नट लगते हैं, मैं लगाऊंगा दो, लेकिन उसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए, वो है नहीं हम पे। सो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और ना मिले? सेम मेरे साथ हुआ। अभी मैं इसको ढूंढ रहा था, ये पेज का इसको इतनी जगह ढूंढा, नहीं मिला। फिर फाइनली जाकर ट्रैक्टर के अंदर मिला, ट्रैक्टर का जो टूल बॉक्स होता है उसके अंदर रखा हुआ है। अब हम इसमें मॉनिटर अटैच करेंगे, एंड फिर ये टेबल साफ करेंगे, फिर कंप्यूटर लगा के चेक करेंगे कि वर्किंग है नहीं है। ओ हाँ, पहले हार्ड डिस्क भी लगानी है अंदर, वो तो मैं भूल ही गया। तो पिछले 15 मिनट से मैं अपने बैग, उसमें थैली में सामान ढूंढ रहा था, और मुझे सिर्फ एक नट मिला है। और अभी थैली में देखा तो थैली में छेद था, तो दो नट उसमें गिर गए। अब अभी क्या करें, अभी देखते हैं अगर ये एक नट से होता है, वरना दुकान में जाके हमें और नट लाने पड़ेंगे। मैं यार ये तो चिपक ही नहीं रहा। एक्चुअली जो इसमें नट का है ना, वो सबसे नीचे है यहाँ पर, अब वो सीधे जा नहीं रहा है, पता नहीं कैसे जाएगा। देन हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम इसमें थोड़ा सा ग्लू टाइप का लगाएं, एंड देन करें, ग्लू ढूंढना पड़ेगा। सो यार अभी फैब्रिक ऑल तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे नहीं फैब्रिक ऑल नहीं मिला है, और ये छोटा सा पेज है, मैं अभी तक नट बोल रहा था, पता नहीं क्या बोलते हैं स्क्रू। तो स्क्रू में हम थोड़ा सा वाइटनर डालेंगे, और अगर इसमें चिपकता है तो ये चिपक गया। हो फाइनली हमने इतने जुगाड़ करके एक नट पे से खड़ा कर दिया है। फाइनली वो समय आ चुका है कि हमारा मॉनिटर मैंने ऑन कर दिया है, एंड लेट्स सी, लाइट जल रही है। तो
भाई इसमें एक लाइन आ गई है। तो यार मैंने फाइनली सारी चीज़ें इसमें लगा दी हैं एंड होप फॉर द बेस्ट कि यार सब चीज़ अच्छे से चल जाए। लाइट आ गई है, मॉनिटर आ गई है एंड जय माता दी। सो यार फाइनली एक मिनट आ, सो फाइनली यार पीसी चल चुका है। तो फाइनली पीसी चल चुका है, हार्ड ड्राइव चल रही है अच्छे से, मतलब मैंने डाटा कॉपी भी कर लिया, अभी फ़ोन में मेरी स्टोरेज भर गई थी। और यार बस एक ही देखो बीच में एक लंबी सी लाइन आ गई है। और मैंने यहाँ पर पंखा भी लगा लिया है यार, गर्म बहुत हो रही थी, बड़ा पंखा पता नहीं कब लगेगा, तो मैंने सोचा फिलहाल टेम्परेरी जुगाड़ छोटा पंखा लगा लेते हैं और उसमें काम करेंगे अपना। और यार बल्ब लाने हैं अभी, आई होप कि मैं बल्ब लेने जाऊँगा, दो बल्ब बड़े वाले एंड थोड़ी फिर लाइट ज़्यादा आ जाएगी अच्छे से। तो अभी देखो मैं ग्लू ढूंढ रहा था तो मुझे क्या मिला, ये छोटा सा ऐसे ब्लॉक करने के लिए फ़ोन पे लगा के, ये भी सही है, मतलब ऐसे कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे थे इसमें हम फ़ोन लगा के ब्लॉक कर सकते हैं। देखो जो काम की चीज़ है वो मिली नहीं रही अभी,